हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हेल एलरोड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग से 6 मॉर्निंग हैबिट बताऊंगा, जिन्हें कल्टीवेट करके हेल एलरोड ने ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी ज़िंदगी को वापस पाया है। दोस्तों, इस किताब को लिखने से पहले हेल एलरोड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। एक दिन वो अपने एक दोस्त की पार्टी से घर वापस लौट रहे थे, तभी उनको एक ट्रक ड्राइवर ने सामने से टक्कर मार दी। उस ट्रक ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। उस एक्सीडेंट में हेल एलरोड पूरी तरह जख्मी हो गए और उनको एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी जांच करने के बाद ये कहा, ही इज दैट, जी हाँ, वे मर चुके थे क्योंकि उनका दिल धड़क नहीं रहा था। पर 6 मिनट बाद उनका दिल फिर से धड़कने लगा। उसके बाद डॉक्टर ने देखा और कहा, ये अब कोमा में चले गए हैं। लेकिन हेल एलरोड 6 दिन बाद 7वें दिन कोमा से उठ गए। अब डॉक्टर ने हेल एलरोड को देखने के बाद कहा कि ये कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी। तभी हेल एलरोड ने सोचा, पहला कि मैं अपनी हालत पर रोता रहूं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और दूसरा रास्ता ये है कि मेरे पास जो कुछ बचा है उसे साथ लेकर एक नई शुरुआत करूं। और दोस्तों, हेल एलरोड ने ऐसा ही किया। आज वे एक कीनोट स्पीकर, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक अल्ट्रा मैराथन रनर भी हैं। उन्होंने कोमा से जागने के बाद जागने का सही मतलब इस किताब के द्वारा लोगों को बताया है, जिसका नाम है मिरेकल मॉर्निंग, जिसमें हेल एलरोड ने बताई है 6 हैबिट जो आप सभी अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया है सेवर्स, SAVERS, सेवर्स। हर लेटर का यहाँ पर अलग अर्थ है। पहला S यानी साइलेंस। हम रोज़ सुबह उठते ही अपने दिमाग को फालतू के कामों में झोंक देते हैं, बस यही आपको नहीं करना है। आप अपने दिमाग को जितना शांत कर सकते हैं उतना शांत करें। उसके लिए आप इन चीज़ों को अपना सकते हैं, जैसे मेडिटेशन, प्रार्थना, पूजा, और अगर आप मुस्लिम हैं तो नमाज, या केवल शांत रहने की कोशिश करें। दोस्तों, एस के बाद आता है ए, अफर्मेशन, यानी अपने आप से पॉजिटिव फॉर्म में कुछ कहना और उसे बार बार दोहराना। आप अपना अफर्मेशन खुद बना सकते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, वही अपना अफर्मेशन बनाएं, वही बातें अपने से दोहराएं बार बार, रोज सुबह। आप ऐसी बातें दोहरा सकते हैं, मैं दुनिया में सबसे अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अमीर आदमी हूँ, या कोई भी बात जो आप अपने आप से कहना चाहते हैं। इसके बाद आता है वी, यानी विजुलाइजेशन। अपने दिमाग में अपना लक्ष्य सोचें, एक चित्र बनाएं। आपको अपने दिमाग में एक चित्र बनाना है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, पैसा हो, कोई भी भाव, वही आपके माइंड में आना चाहिए, और वैसे ही आप अपने आप को करता हुआ महसूस करें। दोस्तों, एक बात समझ लें, अफर्मेशन एक ऑडियो फॉर्म है और विजुअलाइजेशन एक वीडियो फॉर्म है। दोनों फॉर्मेट जब एक साथ मिल जाते हैं तभी आप इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको ये दोनों करना है, ऑडियो और वीडियो आपके माइंड को मैसेज दे पाते हैं। अब बारी आती है ई की, यानी कि एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, पर यहाँ पर एक्सरसाइज का मतलब जिम जाकर वेट उठाना नहीं है। आप ये योगा, एरोबिक्स या अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके भी ये हैबिट पूरी कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमें मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार करती है। दोस्तों, अब बारी है आर की, यानी कि रीडिंग। दोस्तों, आप कोई भी मोटिवेशनल किताब जो आपको
पॉजिटिव एनर्जी देती हो पढ़ सकते हैं। और सबसे बेहतर होगा कि आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, ये आपका बिलीफ और मजबूत करती जाएगी। और दोस्तों आखिर में एस, स्क्राइबिंग यानी राइटिंग, अपने विचारों को लिखें। एक शुरुआत करें दोस्तों, या एक लॉग बुक बनाएं कि कौन सा काम आपको पहले करना है, कि कौन सा काम आपको बाद में करना है, कि कौन सा काम आपको नहीं करना है। या केवल अपने विचारों के बारे में लिखें कि आपने अब तक क्या सीखा और आप आगे क्या करने वाले हैं। पर दोस्तों एक बात याद रखें, ये सभी काम, ये सभी हैबिट आपको 8 बजे से पहले पहले करनी है। सुबह 8 बजे से पहले आपको ये सारे काम निपटाने हैं, क्योंकि इस किताब का नाम है द मिरेकल मॉर्निंग 6 हैबिट्स दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बिफोर 8 AM। और दोस्तों अगर आपको इस किताब के बारे में और अधिक जानना है और आपको ये किताब पूरी की पूरी पढ़नी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।